अस्सलाम वालेकुम, आज अपने मेहमानों के साथ आ रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, सीवीओ और कल उस्मान साहब, समी और सलीम भाई, और है माशाल्लाह माशाल्लाह से अताऊ भाई नज़र आ रहे हैं, अताऊ रहमान भाई, और आगे जो है अबू बकर भाई ड्राइव कर रहे हैं और उनके साथ फारूक भाई बैठे हुए हैं। रफी साहब जो है ना वो अता भाई सोए हुए हैं, उनकी 1 बजे सुबह होती है। अच्छा, आधा कप चाय कप पी के सीधा मुँह धो के डायरेक्ट आ जाते हैं सैदाबाद, आधा घंटा वहाँ स्टे करके आधा घंटा। अच्छा, एंड फोर उनकी भी जिंदगी ऐसी जैसे यूट्यूबर की होती है। नहीं नहीं, उनकी तो कितनी कौन सा अजीब सा कारोबार है यार। अभी तो आप कौन से इलाके पहुंचे हैं? कौन से इलाके? ये घनी चुरंगी है, मैंने देखा नहीं है। हाँ, गुलबई की तरफ आप लोग जा रहे हैं, गुलबई की तरफ, और इंशाल्लाह सीवीओ जाएंगे। अब्दुल्ला भाई को बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, एक बार फिर वो दूल्हा बन गए। और तारीख तो बताए मेहमानों को, गुलबई की क्या तारीख है? गुलबई बहुत पुराना इलाका है। गुलबई जो है, गुलबई को गुलबई कहते क्यों है? कहते क्यों है इसकी वजह? क्योंकि ये पठान औरत थी, उसका नाम था गुलबई। अच्छा जी, उसके नाम का ये रोड रखा गया इलाका। अच्छा, गुलबई सीवीओ जाने का प्रोग्राम था, मगर इस वक्त हम लोग कराची की बंदरगाह पर आ गए और फारूक भाई मेरे साथ हैं। फारूक भाई हाथ हिलाने का, और इसके अलावा मैं आपको दिखा, अबू बकर भाई, सलीम भाई और समी और मौलाना साहब, रहमान साहब और हाफिज उस्मान साहब। ये कराची की बहुत मशहूर बंदरगाह है। मेरे ख्याल में ये लंगरअंदाज हो गया अभी, यही कौन सा फारूक भाई, ये जो लंगरअंदाज हुआ वो सामने देखें, ये जहाज अभी लंगरअंदाज हुआ है। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंटेनर कुछ सामान वगैरह है। फारूक भाई बिल्कुल ऐसी है, ऐसा ही है, इसमें अभी सामान वगैरह तरसील हुआ है। बंदरकशी यानी के पगले जिन्हें कहा जाता है हमारी पंजाब की जबान, वो एक बड़े उससे जबरदस्त। अब हम जा रहे हैं अगले पॉइंट पे, और सलीम भाई हाथ हिला रहे, उस्मान भाई हाथ हिलाए, ये हमारे बहुत ही ख़ास और माशाल्लाह से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं। कराची में शादी में आए थे तो हम इनको काफ़ी अच्छा खासा घुमा रहे हैं, हर जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कराची में नहीं है, पाकिस्तान है। और कराची घुमाने में तकरीबन नहीं तो नहीं अच्छा खासा टाइम लगता है, काफ़ी दिन चाहिए उसके लिए, पूरा कराची देखने के लिए। अभी तक मैंने खुद पूरा कराची नहीं देखा। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची की बंदरगाह से होते हुए हम आ गए सीवीओ में अपने बहुत ही दिल अजीज मेहमानों के साथ, और दिखा समुंदर, मौलाना ताऊ रहमान साहब और हाफिज कारी उस्मान साहब, सलीम भाई, फारूक भाई और अबू बकर भाई, वो रहे। समुंदर की रेत पे चलने का मजा ही अलग है। आज माशाल्लाह सारे कजन मेरे साथ हैं, और घुड़सवारी
रात को इधर तक आया समंदर साजी, रात ही इधर तक समंदर आया। अबू बकर भाई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये समंदर जो है वो सऊदी अरब के साथ इस तरफ जो है जी किबला है सऊदी अरब की तरफ, सऊदी अरब से इसकी सरहदें मिल रही हैं जी, उसके साथ दुबई, मस्कत, ओमान जी, ये जितनी है, और ये इंडिया है सामने। अच्छा, उस साइड पे इंडिया है, इंडिया है। अच्छा, वाह, इंडिया है। अबू बकर भाई ने माशाल्लाह से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी व्यूवर्स के लिए कि उस साइड पे इंडिया, और अगर इस साइड पे जाना चाहेंगे समुंदर की यानी कि डायरेक्शन के मुताबिक इस साइड पे सऊदिया, यमन और कुवैत वगैरह, कुवैत वगैरह में 5,360 किलोमीटर है सऊदी अरब की सरहद। 5,360 माशाल्लाह, जमीनी जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी अबू बकर भाई ने। तो इस साइड इंडिया, मेरे उल्टे हाथ की तरफ और मेरे सीधे हाथ की तरफ समझ लें कि सऊदीया, कुवैत, यमन, ईरान वगैरह ये ममालिक आते हैं। यमन भी इस तरफ है। ये देखें छोटे छोटे परिंदे जो समुंदर पे आए, लेकिन ये दूसरे मुल्क से आए, दूसरे मुल्क से इस सताए समुंदर पे आए, हिजरत करके आए। साइबेरिया, साइबेरिया एक कंट्री का नाम है। उस कंट्री में इस टाइम पे शदीद किस्म का ठंड और शदीद किस्म की बर्फबारी, यानी कि वहाँ इंसान तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता। साइबेरिया का एक मकाम है, इसी तरह का सी साइड है, समुंदर है। उस समुंदर के साथ जितनी आबादी है, जैसे हम कहते हैं क्लिफ्टन है, तीन तलवार है, या बिलावल हाउस है, इस तरह का। ये साइबेरियन परिंदे हैं जी। जी फारूक भाई, जी ये वहाँ से, ये हमारे यहाँ मेहमान है ये। अच्छा, ये मेहमान है हमारे, और ये हलाल भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ अगर पाबंदी ना होती ये शिकार की, तो आज हमें एक इलाका जो है इनका परिंदों का गोश्त खा रहे हो। अच्छा, माशाल्लाह, ये मुर्गाबियाँ हैं, ये मुर्गाबी भी हलाल होती है, मैंने सुना। ये तो इसका खाना है इसका। फारूक भाई, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, कसम से मुझे इतनी सब भूख लग रही है और पेट में दर्द हो रहा है यार। बस ये इंशाल्लाह नाश्ता भी मतलब किस्मत हुआ तो कर लेंगे। तो ये इस वक्त हम मेहमान के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने मेहमानों के साथ। रहमान भाई इधर रहिए, नमकीन पानी है, बिल्कुल नमकीन। ओए, क्या सर्दी, क्या ठंडा पानी। ओए होए 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 ये है मद्दो जगह लग रही है। अगर ये नमकीन ना हो तो अल्लाह का शुक्र किया जाए। बिल्कुल जी हाँ। अच्छा। ये कराची के अंदर एक दुबई नुमा की बिल्डिंग है, बड़े बड़े मालिकानों ने बनाई हुई है, जिनमें मलिक रियास, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, ये उनकी बिल्डिंग है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी जायदाद है। बिल्कुल दुबई तर्ज की तरह बनी हुई है। फारूक भाई, अबू बकर भाई, समी और सलीम भाई जो है अपनी सेल्फी खुद ले रहे हैं। भाई मेहमानों की खींचे, अपनी कौन लेता है यार, अपनी तो मैंने खुद ही है। मिनट मिनट, हाँ, सेल्फी सेल्फी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता के तेरी रजा से। वाह 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 वाह, खुद ही जो है ना इसकी सेल्फी इंग्लिश बनती है। सही, अच्छा है कि खुदा रोज़े महशर में खुद कह दे बंदा दो जहां से खफा मेरे लिए। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखें मेरे पाँव में पानी, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। एक और लहर आ रही है, इस लहर के साथ साथ चलते हैं। और ये देखें, जमात इस्लामी के तहत जो धरना जारी है सिंध असम्बली के बाहर, यहाँ फारूक भाई ने बैठ कर धरना दिया और धरना लिखा भी है सीवियों के साहिल पर। ये तारीख याद रखेगी इंशाल्लाह ताला कि किस तरह काला कानून ये लोग पास करते हैं।
कराची को तो बिल्कुल लावारिस शहर समझा हुआ है कि ये यतीम है, मिस्कीन है, इसका कोई पूछेगा नहीं, इसका कोई वली वारिस नहीं है। लेकिन कराची अमीनों का वारिस है, कराची औलिया इकराम का के रहने वालों का वारिस है, कराची रोशनियों का शहर है, कराची एक बहुत मिनी पाकिस्तान है। इसके अंदर पेट्रोल है? हाँ, इसको सही का नाश्ता करवाए, नाश्ता सही करवाए। अच्छा, छोटा सा एक ग्राउंड दे रहे हैं मेहमानों को, सही है। कितना पैसा लेगा चक्कर का? क्या चक्कर का? नहीं, यो 150 रुपया। हाँ, ये बगाना नहीं है, बगाना नहीं है, बगाना नहीं है। हाँ, ताऊ रहमान भाई जो है वो घोड़े की सैर कर रहे हैं। ये हमारे मुलाकात था रमन साहब, जहाद के लिए रवाना हो रहे हैं। हाँ, ये अल्लाह ताला ने उस्मान गाजी की जी 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 जी। हाँ, आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। तो व्यूवर्स, जिसने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि मेहमानों के साथ आज की वीडियो कैसे लगी। अताउर रहमान, मौलाना अताउर रहमान भाई जो हैं वो गुजरावाला मंडियाला से तशरीफ़ लाए, उनके साथ कारी उस्मान मोहम्मद उस्मान साहब तशरीफ़ लाए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए अवान व्लॉग से, तारिक अवान को अल्लाह हाफिज़।